अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2022 में L2 के शिक्षकों के लिए करीब 27,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें एग्जाम के बाद परिणाम जारी कर सभी शिक्षकों को नियुक्ति भी दे दी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने मामला कोर्ट में टिका दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2022 में करीब 27,000 शिक्षकों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। 2023 में भर्ती परीक्षा करवाई गई और कुछ दिनों बाद परिणाम जारी कर शिक्षकों को ज्वाइनिंग भी दे दी। शिक्षक लगातार पिछले एक साल से नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आंसर की में खामियों को लेकर परिणाम रिवाइज करवाने की मांग को लेकर मामला कोर्ट में टिका दिया। ऐसे में विद्यार्थियों की मांग पर कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कर्मचारी बोर्ड को सौंप दी। जांच रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि जांच रिपोर्ट CET एग्जाम के बाद सार्वजनिक की जाएगी। परिणाम में कोई बड़े बदलाव की आशंका नहीं है। कुछ सवालों के आंसर बदलने जाने की संभावना है, लेकिन कुछ सवालों के आंसर बदले जाते हैं तो पूरा परिणाम रिवाइज होगा, और परिणाम रिवाइज होता है तो सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। हम सरकार से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि ना हमारी रिव्यू रिजल्ट आने में कोई हमारी गलती, ना वो क्वेश्चन डिलीट होने में हमारी गलती, ना क्वेश्चन बनाने में हमारी गलती, ना हमें हमारी कोई और गलती। हम चयनित हुए तो अपनी मेहनत पे हुए, तो सरकार शौक से नए लड़के लो लगाओ उनको। वो बेरोजगार आपसे अरदास करना चाहते हैं, पर आप चयनित शिक्षकों या शिक्षिकाओं को बाहर मत करो। हम सरकार से बस इतनी अरदास करना चाहते हैं, बहुत मोटे हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, बोर्ड और सरकार होगी। बेरोजगार संघ के नेता अशोक चौधरी का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के 2022 के परिणाम को रिवाइज करने की कवायद से ही अभ्यर्थी अवसाद में है, हजारों अभ्यर्थी तनाव में है। L2 के रिवाइज परिणाम को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज्यादा अवसाद में है। मैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राजे से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करें, क्योंकि इसमें दोनों अभ्यर्थी असमंजस में हैं। जिनके क्वेश्चन सही थे बोर्ड ने गलत उत्तर मान लिए, वो घर बैठे हैं, उनको नियुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है उनको इस बात का डर सताया जा रहा है कि हमें अब नौकरी से बाहर किया जाएगा। बेरोजगार एकीकृत संघ के नेता मनोज मीणा का कहना है कि जांच कमेटी ने पहले जिन सवालों के उत्तरों को सही माना था उन्हीं को गलत मानकर दूसरे आंसर्स को सही माना जा रहा है, जिससे कि 3-4 हजार शिक्षकों पर तलवार लटकी हुई है। रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती में चयनित छात्र लगातार परेशान है। कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज और सरकार दोनों विद्यार्थियों को जो एक साल से नौकरी कर रहे हैं उन्हें हटाने पर तुली हुई है। इसके चलते प्रदेश में तकरीबन 3-4 हजार चयनित अध्यापक बाहर होने को जा रहे हैं, जिसके चलते पूरे राजस्थान में चयनित अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब 2022 की भर्ती के चयनित हजारों अध्यापक परिणाम रिवाइज होने के मामले को लेकर डर के साए में हैं।